देवस्य गंधर्वः पिशाचपटक उरकाः विद्रवन्ति भयात् भीता मरुभित्यो इव सदा प्रजा। बहुत अच्छा महसूस होता है और लगता है कि जो भी मेहनत की है हमने, हमारी पूरी टीम ने एक्चुअली, एक्टर तो बहुत छोटा पार्ट होता है, ये वहाँ सिद्धार्थ हैं, हमारे राइटर आए हैं विनोद जी, वो ये यहाँ पर हैं दिवातिया जी, इन लोग की वजह से हम अच्छे लगते हैं और इनका ही इतना सारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं, आज आप लोग ने एक छोटी सी झलक देखी, आप लोग को अच्छी लगी, हमें और कॉन्फिडेंस मिला है। अभी भी कुछ दिन है हमारा शो स्टार्ट होने में, हम शूट तो कर ही रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, लगता है हम जो कर रहे हैं इट्स गोइंग टू गार्नर द राइट रिएक्शन, द रिएक्शन वी वांट, हम जैसा सोचते हैं कि हमारी ऑडियंस रिएक्ट करेगी। थैंक यू सो मच, हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि एक ऐसा रावण पेश करें जो आया नहीं है पहले, एक ऐसी कहानी रावण की जो आपने अपनी दादी से नानी से ज़रूर सुनी होगी, 100% सुनी होगी, लेकिन आपने देखी नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हिस्से को भी सामने लाएँ। और जो हमारी रामायण है वो, उसमें किरदार जो है ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे है, जैसे आप महाभारत के बारे में एक डिबेट कर सकते हो कि कौन सही था कौन गलत था, अल्टीमेटली जो गलत है वो गलत ही होगा, लेकिन जो कॉजेज होते हैं तो वो एक चीज़ को ह्यूमनाइज करते हैं, तो उसको हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी श्रद्धा भावना रखते हुए, क्योंकि हम सब यही कहते हैं कि रामायण हमारी नहीं है, हम सब की है, हर एक को रामायण कंठस्थ है और सब जानते हैं कि क्या हुआ था, सो उसी भाव को रखते हुए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जी कहते हैं सर, कितना डिफिकल्ट होता है जब आप रावण जैसे रावण का किरदार करते हैं, क्योंकि रावण बहुत सही थे, बहुत ज़्यादा मतलब ना गर्म दिमाग के थे, वहीं राम बहुत शांत थे, तो वो उस हिसाब से कैसे कैरेक्टर में डालना कितना मुश्किल होता है? देखिए आप अभी आपको मैं कुछ बोल दूंगा तो आप गुस्सा हो जाओगे, पर आप कब तक गुस्सा रहोगे, उसके बाद कभी तो शांत हो गए ना, तो ऐसे ही रावण भी है, गुस्सा भी होता है, शांत भी होता है, हंसता भी है, नॉर्मल। जब आप सुबह उठते हो अगर आप गुस्सा हो तो आप दिन भर गुस्सा थोड़ी रहोगे, तो ये नॉर्मल इंसान की तरह होता है, अगर आपके यहाँ पे किसी की डेथ हो गई आप एक दिन रोगे दो दिन उसके बाद शांत हो जाओगे ना, ऐसा ही रावण है, उसके लेयर्स हैं, जैसे हम हैं वैसा ही वो है, और उसी तरह हमने कोशिश की है उसको उनको उसको दिखाने के लिए कि जो भी है वो क्यों है, क्यों से कहानी बदल जाती है, और जो हमारा वो सब ये भाई साहब की बदौलत है, इनका जो क्यू इतना पावरफुल आता है और जो जिसकी वजह से हम उस चीज़ को बता सकते हैं कि ये गुस्सा हुआ, इसने मारा क्यों मारा, इसने ये किया क्यों किया, तो वो चीज़ को हम आपस में भी बात करते हुए चलते हैं, हर बार हर रोज़ हम बैठते हैं उसके बारे में बात करते हैं ताकि सही चीज़ बाहर आए। तो जहाँ तक किरदार निभाने का सवाल है, ऑब्वियसली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत आसान नहीं है किरदार, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि उसको जितनी अच्छे से मैं कर पाऊँ करूँ। मेकअप वगैरह में कितना टाइम लगता था उसमें अगर आप कर रहे जी क्या? इतना टाइम नहीं लगता जितना, जैसे अगर हम नॉर्मल फिल्म के हिसाब से सोचें तो शायद 15-20 मिनट ज़्यादा बस। जी सर, आपने सोशल मीडिया में पोस्ट किए हो इंडियन पुलिस फोर्स को, रामायण की बात करें कभी और कर लो, अभी आएगा वो, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। डायलॉग कैसे होंगे, जैसे हमने पहले भी रावण के जो डायलॉग हैं पहले जो रामायण बने हैं उसमें सुने, बहुत अच्छे डायलॉग हैं, आप सुनिएगा,
इसमें हमने बहुत ज़्यादा रुष्ट हिंदी नहीं रखी है ताकि लोगों को समझ आए, ऐसा ना लगे कि हम हिंदी लिटरेचर का कोई पेपर लिख रहे हैं या यू नो शायरी लिख रहे हैं या पोएम्स लिख रहे हैं। बहुत सिंपल रखा है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं, तो उसको पूरा रिस्पेक्ट देते हुए पर सिंप्लीफाइड रखते हुए ताकि बच्चे समझ पाए। 8 साल के 10 साल के 9 साल के बच्चे 5 साल के बच्चे अगर जो टेलीविज़न देखते हैं अपने माँ बाप के साथ वो समझ पाए कि क्या हो रहा है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सारी लाइन्स लिखी गई। रावण की जब बात होती है सर जी, तो अरविंद जी की याद आती है, अरविंद त्रिवेदी जी रामायण जी जी बिल्कुल। तो इस बार जब ये रामायण घर पे आने लगेगा तो लोगों के नज़र में कहीं ना कहीं निकेतन आने लगेगा। सर ये सब मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो बस अपनी मेहनत करूँगा और आगे जो जो राम जी चाहें वही होगा। जब आप बचपन में रामायण देखते जी, तब उस टाइम पर क्या, कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगता? एक्चुअली जब रामायण आई थी तो मैं बहुत छोटा था और उसके बस कुछ ही देर बाद महाभारत की शूट स्टार्ट हो गई थी, तो मेरा ज़्यादा ध्यान महाभारत में था। बट जब रामायण आई थी तो मुझे याद है मैं दारा सिंह जी को मिला था और वो 60 ईयर्स के थे जब उन्होंने हनुमान का किरदार किया था, और उनको देखकर ऐसे ही लगता था कि सच में बजरंग बली सामने खड़े हैं, तो वो किरदार मेरे दिमाग में यू नो इट गॉट स्टक। सर पंकज जी का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया, क्योंकि अभी उन्होंने भी एक आइकॉनिक किरदार किया है महाभारत में, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत खुश थे, वो सबसे ज़्यादा खुश इस बात के लिए थे कि ना सिर्फ मैं रावण कर रहा हूँ पर स्वास्थ्य के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी जी के साथ यू नो उनका एक जो एक उनकी कंपनी का नाम है मार्केट में, और ये जोन जो आप हिस्ट्री कहें या माइथोलॉजी कहें, एक्चुअली है तो हिस्ट्री, पर इस ये जो जोन है ये इस जोन में बहुत कमाल करता है। तो जब आप इतने रिस्पॉन्सिबल मेकर के साथ हो तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आप बस आइए अपना काम कीजिए और जाइए, तो एक्टर के लिए बहुत ईजी हो जाता है। जी डन, थैंक यू गाइज़।